एक्ट्रेस आलिया भट्ट अभी मोस्ट डिमांडिंग एक्ट्रेसेस में से एक है। वहीं आलिया अभी सभी निर्देशकों की पहली पसंद बन गई है। बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ साथ आलिया भट्ट कई ब्रांड एंडोर्स भी करती हैं। और बहुत कम उम्र में ही आलिया की कमाई अच्छी खासी हो गई है। लेकिन आलिया भट्ट के व्यक्तित्व की एक खास बात ये है कि वो अपने पैसों को संभाल कर रखना पसंद करती हैं और बेवजह आलिया को पैसे उड़ाना पसंद नहीं है। आलिया को देखकर ऐसा सभी को लगता है कि वो दिल खोलकर खर्च करती होंगी, लेकिन आलिया ने बताया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक इंटरव्यू में आलिया ने बताया कि वो ज्यादा खर्च करने में विश्वास नहीं रखती हैं और वो अपने पैसे को बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में निवेश करती हैं। यहाँ तक कि आलिया का पर्सनल सीए भी सोचता है कि आलिया अधिक खर्च क्यों नहीं करती है, लेकिन आलिया बचपन से ही ऐसी है। आलिया ने बताया कि जब भी वो अपनी माँ सोनी राजदान और बहन शाहीन भट्ट के साथ लंदन जाती थी तो वो एक बजट स्टोर से ही चीजें खरीदती थी, वो भी केवल 5-6 पाउंड में। लेकिन ऐसा नहीं है कि आलिया भट्ट खर्च नहीं करती हैं, क्योंकि हर साल एक बड़ा खर्चा विदेश में छुट्टियां मनाने में आलिया करती हैं। और आलिया अपनी सेविंग से खुद का एक प्राइवेट जेट और पहाड़ों में एक घर बनाना चाहती हैं। और आलिया अपनी सेविंग से खुद का एक प्राइवेट जेट लेना और पहाड़ों में एक घर बनाना चाहती हैं। वेल, आलिया भट्ट की आने वाली फिल्मों में सड़क 2, तेलुगु फिल्म RRR, गंगूबाई काठियावाड़ी और ब्रह्मास्त्र शामिल है। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड की सभी चटपटी और मजेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।